पुरानी रंजिश के चलते उपमंडल के भीसरू गांव में दो गुटों में जमकर पथराव व लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं, झगड़े के दौरान फायरिंग तक हुई। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पथराव व लाठी डंडों से झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई, जिन्हें पुनहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को मेडिकल कॉलेज नलहेड के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर भी और थाना प्रभारी रामचंद्र व पुनहाना थाना प्रभारी अशोक दहिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने झगड़ा शांत कराकर लोगों से शांति की अपील की। पुलिस घायलों के बयान लेने व आवश्यक कार्यवाही में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनहाना उपमंडल के भीसरू गांव में कुरैशी समाज के सैकड़ों परिवार हैं। गत पंचायत चुनावों को लेकर समाज दो गुटों में बंटा हुआ है। करीब 3 महीने पहले भी दोनों गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। झगड़े में उस दौरान भी फायरिंग हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर झगड़े में आरोपित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले को शांत कर दिया था। इस झगड़े में जमालू गुट के एक आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इस गुट के लोगों को ये बात नागवार गुजरी और एक बार फिर रविवार को दोनों गुट आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि जमालू गुट के लोगों ने रविवार को देर रात दूसरे गुट के परिवारों पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, दुकानों की तोड़फोड़ के अलावा लूटपाट भी की गई। करीब दर्जनों घरों में लूटपाट को अंजाम देने के साथ साथ महिलाओं से बदसलूकी की गई। देर रात ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति को काबू में कर झगड़े को शांत करा दिया। करीब 1 घंटे तक देर रात पुलिस गांव में ही रही, लेकिन पुलिस के जाने के बाद एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। गांव के मौजूद लोगों के बीच में आने से झगड़ा शांत कराया गया, लेकिन सोमवार को तड़के एक बार फिर दोनों गुटों में लाठी डंडे चले, जिसमें हुसैन दीन पुत्र सकूर, नईम पुत्र खुर्शीद, अपर पुत्र सकूर, मुस्तकीम पुत्र सदीक, इरफान पुत्र साहबुद्दीन, तनवीर पुत्र हुसैन दीन, लुकमान पुत्र सदीक व खुर्शीद पुत्र सकूर घायल हो गए। घायलों को पुनहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया, जहां से हुसैन दीन व इरफान की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज नलहेड के लिए रेफर कर दिया। सुबह झगड़े की सूचना पाकर भी और थाना प्रभारी रामचंद्र के अलावा पुनहाना थाना प्रभारी अशोक दहिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के मौजूद लोगों के साथ बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं पुलिस घायलों के बयान पर कार्यवाही में जुट गई है। जल्द समझौता नहीं हुआ तो बढ़ सकता है विवाद। पुनहाना के भीसरू गांव में कुरैशी समाज में आपस में बन रही टशन गांव के लोगों पर भारी पड़ रही है। कुरैशी समाज में झगड़े के बाद गांव के अन्य लोगों में गुटबाजी का असर साफ देखा जा सकता है। कभी एकजुटता के लिए जाना जाता भीसरू गांव चुनावों के बाद गुटबाजी में तब्दील हो गया है। जल्द ही कुरैशी समाज में हुए झगड़े में समझौता नहीं हुआ तो भविष्य में ये झगड़ा एक बड़ा रूप ले सकता है। प्रशासन को इस मामले में बीच बचाव करने के लिए आगे आना होगा। झगड़े के बाद दर्जनों परिवारों ने छोड़ा गांव। झगड़े के बाद गांव के कुरैशी मोहल्ले में पूरी तरह तनाव है। सोमवार को झगड़े ने जैसे ही विकराल रूप लिया तो गांव के कुरैशी समाज के दर्जनों परिवार सुरक्षा के इत्तिबार से गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। इन परिवारों में महिलाएं, बच्चे व बुजुर्गों ने गांव के दूसरे रास्तों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना उचित समझा।